कोरोना काल में प्रभावित हुई व्यवस्था में ज्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में शासकीय नौकरी की चाह लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे विद्यार्थी इन दिनों विश्वविद्यालयीन नीतियों को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कमिश्नर कुलपति जबलपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित समस्याओं के निराकरण की मांग की। छात्र संगठन से जुड़े सदस्यों ने बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं की ना तो समय पर परीक्षा कराई जा रही, ना ही समय पर परिणाम घोषित किया जा रहा। नतीजतन उन्हें कोर्स पूरा होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। वहीं कई लोगों को उम्र की बाधा भी आड़े आ रही है। 2019-20 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की अब तक प्रथम वर्ष की परीक्षा भी नहीं हुई है। ऐसे में 4 साल के कोर्स में 5 से 6 साल का समय लग रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। लोग सभी जिले के सभी नर्सिंग स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टूडेंट आज कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए थे। हमारी ये मांग है कि अभी तक हमारी कोई एग्जाम नहीं ली जा रही है। बार बार टाइम टेबल आता है, किसी कारणवश पोस्टपोन्ड हो जाता है। अभी तक 5वीं बार टाइम टेबल आया और किसी कारणवश निरस्त हो गया, तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि 15 दिन के अंदर हमारी एग्ज़ाम ली जाए और 1 महीने के अंदर हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो हमें जल्द से जल्द अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। इसके बाद भी अगर आपकी समस्या हल नहीं होती है तो क्या कार्रवाई करोगे आगे? इसके बाद हमारी निश्चित समय में कार्रवाई पूर्ण नहीं होती है तो हम आगे MPMSU में जाकर बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजन जोशी। 200 पोस्ट के लिए 6 दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, पर हम लोगों को हमारा स्टेटस अवेटेड रखा गया क्योंकि हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेटेड था। जून 2021 में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया, इस वजह से हमको नियुक्ति भी नहीं मिल रही है। 3800 पोस्ट के लिए पूरे MP से, पूरे खरगोन जिले से अभी 100 लोग आए हैं। हमारी यही मांग है कि फटाफट हमको रिजल्ट दिया जाए और हमारी पोस्टिंग की जाए। और हम लोगों का अगर रिजल्ट नहीं आता है तो टाइम पे हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं आएगा। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा तो आने वाली वैकेंसीज में भी हम एलिजिबल होने के बाद में भी नहीं दे पाएंगे। क्या नाम है आपका? इरशाद खान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।